हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खोपरा पाक, वह भी बिना चाशनी के। खोपरा पाक बनाने के लिए हमें लगेगा 2 कटोरी मावा, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी नारियल का बूरा। यहाँ हम किसा हुआ मावा यूज़ करेंगे। मावे को किसने से उसका दरदरापन दूर हो जाता है। 1 कटोरी शक्कर को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। सबसे पहले हम 2 कटोरी किसा हुआ मावा एक पैन में डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मावा को धीमी आंच पर भुनेंगे। यदि मावा ताज़ा और नरम नहीं है तो भुनते टाइम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध मिला लेंगे, जिससे कि मावा नरम हो जाएगा। अब इस भुने हुए मावे में पिसी हुई शक्कर मिला लेंगे और इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि शक्कर पूरी तरह पिघल ना जाए। इस टाइम पे आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, पर नारियल का अपना एक फ्लेवर होता है, इसलिए इलायची पाउडर ना डालें तो भी चलेगा। शक्कर मावे में अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम इसमें 1 कटोरी नारियल का बूरा मिला लेंगे। नारियल का बूरा अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी मिलाएंगे। घी मिलाने से खोपरा पाक में नमी बनी रहती है। पैन में से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर चेक करेंगे कि मिश्रण बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार है या नहीं। हाथ में मिश्रण की गोली बन रही है, मतलब मिश्रण बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार है। अब गैस बंद करके इसे नीचे उतार के रख देंगे। अब जिस बर्तन में बर्फ़ी जमाना है उसे घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर चौकोर शेप के बर्तन में बटर पेपर लगाकर उसे घी से ग्रीस कर लिया है। तैयार मिश्रण को ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देंगे। पैन को गैस से उतारते ही यदि लग रहा है कि मिश्रण कड़क हो रहा है तो उसमें तुरंत 2 से 3 चम्मच दूध मिला के उसे नरम कर लेंगे, और यदि लग रहा है कि वह गीला है तो उसे तुरंत नहीं जमाएंगे, उसे थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे और फिर जमाएंगे। अब इसे 2 घंटे सेट होने के लिए रखेंगे। 2 घंटे बाद जमे हुए खोपरा पाक को जिस बर्तन में जमाया था उसमें से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब इसे चांदी का वर्क लगा के काट लेंगे। चांदी का वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप ना चाहें तो ना लगाएं, पर वर्क लगाने से बर्फ़ी एकदम सुंदर दिखती है और किसी का भी उठा के खाने का मन करता है। अब इसे पिस्ता, बादाम और केसर से गार्निश कर लेंगे। तैयार खोपरा पाक को प्लेट में सर्व करेंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।